नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो गाइज, हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के 3 बड़े न्यूज, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर 1 गाइज, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट ने इंडियन प्लेयर के फिटनेस को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। सलमान भट्ट ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस बात पर ध्यान दिया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की फिटनेस आइडियल नहीं है। अगर हम विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को छोड़े तो इंडिया के किसी भी प्लेयर की फिटनेस प्रॉपर नहीं है, जिसके वजह से इंडिया के बॉलर के पास स्पेस नहीं है। सलमान भट्ट ने आगे कहा कि केएल राहुल ने कैच ड्रॉप किया फर्स्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बाद में अक्षर पटेल ने कैच ड्रॉप किया। अगर आप ऐसे कैचेस छोड़ते जाओगे तो बैट्समैन आपको और एक चांस नहीं देगा। और अगर देखोगे तो इंडिया के 2 प्रॉब्लम है, एक तो पेस बॉलिंग और दूसरी फिटनेस। अगर इंडिया ने इस पर जल्दी काम नहीं किया तो इंडिया को बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले T20 वर्ल्ड कप में। सलमान भट्ट ने आगे कहा कि इंडिया के बड़े प्लेयर जैसे कि केएल राहुल, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत, इन्होंने अपने फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वो और भी अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं। और वैसे भी इंडियन प्लेयर ये हाईएस्ट पेड क्रिकेटर है वर्ल्ड में। इंडिया के प्लेयर सबसे ज्यादा मैचेस खेलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फिटनेस प्रॉपर क्यों नहीं है? अगर आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसे टीम के साथ कंपेयर करोगे तो इंडिया के प्लेयर कहीं भी नहीं लगते। मुझे लगता है कि इंडिया के प्लेयर ने जल्दी से जल्दी अपने फिटनेस पर काम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के सारे प्लेयर काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और मुझे लगता है कि खासकर ऋषभ पंत ने अगर अपने फिटनेस पर काम किया तो वो सबसे डेंजरस प्लेयर बन सकते हैं इंडिया के लिए। गाइस, सलमान भट्ट के स्टेटमेंट पर आपके क्या व्यूज है कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2 गाइस, सुनील गावस्कर ने भुवनेश्वर कुमार को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। सुनील गावस्कर ने कहा कि भुवनेश्वर कुमार जैसे एक्सपीरियंस बॉलर ये हर मैच में काफी ज्यादा रन लीक कर रहे हैं। अगर आप उसकी 19 ओवर के लास्ट 3 मैचेस देखोगे तो उन्होंने 18 बॉल में 49 रन लीक किए हैं, जिसके वजह से इंडिया श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से हारी। 18 बॉल में 49 रन, यानी कि ऑलमोस्ट एक बॉल पर 3 रन दे रहे हैं। अगर आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हो तो आपसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, और इंडिया के लिए ये काफी बड़ी कंसर्न है। हर्षल पटेल ने 18 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 22 रन दिए, लेकिन वो अभी इंजुरी से आए हैं, उसे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन भुवनेश्वर कुमार को जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और इंडिया के बॉलर्स तो ड्यू का भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि मोहाली के ग्राउंड में बिल्कुल भी ड्यू नहीं था। सुनील गावस्कर ने आगे जसप्रीत बुमराह को लेकर कहा कि जसप्रीत बुमराह भी हाल ही में इंजुरी से आए हैं, उन्हें भी थोड़ा टाइम लगेगा रिदम आने में। मुझे लगता है कि इंडिया ने जसप्रीत बुमराह को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडिया सीरीज भी खिलानी चाहिए, जिससे कि उन्हें और टाइम स्पेंड करते आएगा ग्राउंड में। नंबर 3 गाइस, रवि शास्त्री ने इंडिया के फील्डिंग को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। रवि शास्त्री ने कहा कि रविंद्र जडेजा की अब्सेंस में इंडिया टीम की फील्डिंग काफी ज्यादा पुअर लग रही है। अगर आप इंडिया के टॉप टीम्स की बात करें तो तब इंडिया के पास यूथ और एक्सपीरियंस प्लेयर होते थे, लेकिन अभी के टीम में यूथ प्लेयर की कमी लग रही है, जिसके वजह से इंडिया के फील्डिंग में इतनी गिरावट आई है। अगर आप 3-4 साल पहले की इंडिया टीम देखो तो वो सबसे बेस्ट फील्डिंग साइड थी, जिसके वजह से इंडिया बड़ी टूर्नामेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन करती थी। अगर इंडिया ने फील्डिंग पर ध्यान नहीं दिया तो इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।